देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र कुमार। जी हां, और आज हम लोग बात करने वाले हैं चंद्रयान 2 और उससे संबंधित लैंडर और विक्रम को लेकर। कहा जा रहा है कि विक्रम से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं इसरो के तमाम वैज्ञानिक। पिछले दिनों 6 और 7 तारीख के रात को विक्रम से संपर्क टूट गया था। सॉफ्ट लैंडिंग के तहत काम किया जा रहा था, लेकिन हार्ड लैंडिंग हो गया और संपर्क टूट गया। अब किस प्रकार से इसरो संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, सबके मन में ये बात जिज्ञासा उठ रहा है कि कैसे आखिरकार वैज्ञानिक एक टूटे हुए संपर्क से अपना संपर्क दोबारा से स्थापित कर लेगा। नीरज जी, खास बात यह है कि चंद्रयान के ऑर्बिटर ने इसकी सटीक लोकेशन का पता लगा लिया है जी। अरे, खास बात है कि अगर लोकेशन का पता लगा है तो उसे अब चार्ज करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किसी भी तरह से विक्रम खड़ा हो जाए। बिल्कुल, विक्रम को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और बार बार संदेश भेजा जा रहा है। संदेश जैसे हम लोग मोबाइल से किसी के मोबाइल फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बेंगलुरु में एक सैटेलाइट के जरिए लगा हुआ है और वहाँ से संपर्क किया जा रहा है। वहाँ से एक तरीके से आप समझें कि फ़ोन किया जा रहा है। जैसे हम लोग किसी को फ़ोन करते हैं और वो कहीं पे फ़ोन अपना भूल जाता है, घंटी बज रहा होता है ताकि उस घंटी को सुन के कोई ना कोई वहाँ से उठा ले। आप इस साधारण से भाषा में समझें कि जैसे फ़ोन कहीं गुम हो जाता है आपका और आप फ़ोन दूसरे फ़ोन से फ़ोन करते हैं कि वो कहीं से वहाँ घंटी बजे और उसका आवाज़ आप तक पहुँचे और आपके जानने में आसपास के लोग जो भी हैं वो उस फ़ोन को उठा के आपको वापस संदेश दे। तो ऐसा ही कुछ तकनीकी अपना रहे हैं वैज्ञानिक ताकि वापस जब विक्रम के अंदर जो ट्रांसमीटर लगा हुआ है, कई तरह के ट्रांसमीटर का जो नाम दिया गया है उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। लेकिन हम आपको बताते हैं नीरज जी, जो बता रहे हैं कि कर्नाटक के एक गांव है बयालालू जहां पर ये 32 मीटर का एंटीना लगा है और इससे ही संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, हालांकि अभी तक सफलता हासिल नहीं हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक पूरी तरह से बार बार ट्राई कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हमारा संपर्क स्थापित हो जाए। और उनके पास टाइम जो है 14 दिनों का टाइम था, जिसमें से 3 दिन हमारा खत्म हो चुका है, 3 दिन जा चुका है। 14 दिन का टाइम क्यों है आप लोग सोच रहे होंगे, तो ये हमारे तमाम साइंस के स्टूडेंट जो हैं वो जानते भी होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं वो इस बात को नोट कर लें। और जो लोग CBSE का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या UPSC के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस बात को नोट कर लें कि चांद पे जो एक दिन होता है वो 14 दिन, मतलब पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। वहाँ पे जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे 14 दिन जितने घंटे का होता है उतने घंटे तक के लिए वहाँ पे एक दिन का रोशनी होता है और उस दरमियान में हमारे पास जो हमारा चाहे ऑर्बिटर है या जो भारतीय वैज्ञानिक यहाँ पे इसरो के केंद्र से स्थापित होके जो काम कर रहे हैं, तो जो हमारा विक्रम था, विक्रम को जब यहाँ से भेजा जा रहा था तो वैज्ञानिकों ने ऐसा आइडिया लगाया था कि 14 दिन का जो हमारा टाइम होगा उस दरमियान हम वहाँ का पूरा रिसर्च कर लेंगे और जो भी हमें लेना होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करना होगा 14 दिन में हम कर लेंगे। और यही सोचकर वैज्ञानिकों ने विक्रम के अंदर जो पावर सप्लाई दिया था, या आप यूँ समझ ले साधारण भाषा में, जैसे हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं मोबाइल पे तो 24 घंटे तक कोई बैटरी चलता है मोबाइल का और कोई बैटरी जो है 48 घंटे तक चलता है, तो विक्रम का जो बैटरी है वो 14 दिन तक चलने योग्य है। 14 से 2-4 दिन और एक्स्ट्रा दिया होगा या 5 दिन एक्स्ट्रा दिया होगा, लेकिन अगले 14 दिन तक वहाँ पे चांद पे क्या होगा, रात होगा, अंधेरा होगा। तो 28 दिन बाद अगर 14 दिन में हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पाता है तो 28 दिन बाद उससे कोई संपर्क स्थापित किया भी नहीं जा सकेगा। हाँ, बहुत मुश्किल, डिस्चार्ज हो चुका। जी हाँ, पूरी तरह से डिस्चार्ज होगा। खास तौर से आपको नीरज सर ने बड़े डिटेल से बताया, उसमें हम आपको बता दें कि विक्रम में 3 ट्रांसपोर्टर लगे हुए हैं जिसके एक तरफ R एंटीना से इक्विप्ड है और इसके ऊपर एक गुंबद जैसा
यंत्र भी लगा हुआ है और विक्रम इन्हीं इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके पृथ्वी या ऑर्बिटर से संपर्क में स्थापित कर सकता है। जी। जैसे पृथ्वी से जो यहाँ से कनेक्ट करने के लिए एक तरीके से आप समझ लें कि कॉल किया जा रहा होगा, तो वहाँ जो विक्रम के अंदर यंत्र होगा वो उस पर जवाब दे सके, जो रोबोट उसके अंदर होगा वो रोबोट और वहाँ उसका एंटीना जो जैसा कि मानवीय उसका जो एक एंटीना है उस एंटीना के जरिए तरंग जो है जैसे उस विक्रम को तरंग महसूस होगा तो तरंग महसूस होते ही जो वो रोबोट है विक्रम के अंदर वो वापस तरंग को इस या तो ऑर्बिटर को या फिर जो इसरो का जो पृथ्वी पे जो एंटीना लगा हुआ है जैसा कि बताया आपको बेंगलुरु के अंदर एक कौन सा लालू बताया आपने, बया लालू में जो एंटीना लगा हुआ है वहां से जो संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो या तो बयालालू में वापस संपर्क भेजेगा विक्रम या फिर ऑर्बिटर को संपर्क। जी हाँ, लेकिन जैसे ही ये क्षण आएगा तो वो एक सेकंड का भी क्षण अगर मिल गया हमारे वैज्ञानिकों को तो समझ लिए कि 100% हमारा चंद्रयान 2 मिशन सक्सेस हो जाएगा। इसमें खास बात यही है नीरज जी की वो जिसकी आशंका है कि वो क्षतिग्रस्त ना हो और इसी को लेकर वैज्ञानिक के लगातार कोशिश में है कि अगर वो कुछ भी काम कर रहा है तो हम संपर्क साध लेंगे। बिल्कुल, और इसी हार्ड लैंडिंग जब हुई होगी तो हार्ड लैंडिंग में उनका जो कोई यंत्र ज्यादा ना टूटा हो, अगर यंत्र कोई नहीं टूटा होगा तो दोबारा से उस पर उससे संपर्क किया जा सकता है और इसके लिए 14 दिन का जो वक्त था उसमें से 3 दिन बीत चुका है और बाकी के 11 दिन जो हमारे पास हैं, 10 दिन अब कह सकते हैं, 10 दिन जो हमारे पास हैं इन 10 दिनों में हम रिसर्च कर सकते हैं। जितना जल्दी संपर्क स्थापित हो जाएगा उतना ही जल्दी रिसर्च शुरू हो जाएगा और खुदा न खास्ते यहाँ खास तौर से इसमें जो बताया जा सकता है कि विक्रम के बाहर जो बॉडी है उसी में सोलर पैनल लगा है और अगर वो ठीक ठाक है और जिससे ऊर्जा वो जनरेट होगा तो निश्चित तौर पर अभी भी पूरी संभावना है कि हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं और यही एक जो विश्वास है तमाम भारत के लोगों में 133 करोड़ लगभग जो हमारे भारत के लोग हैं उनके दिलों में जो यही विश्वास है कि हमने जो मेहनत किया है हमारे वैज्ञानिकों ने जो मेहनत किया है तो जरूर वो क्षण एक सेकेंड का वो क्षण जो कांटेक्ट का उधर से तरंग आने वाला जो क्षण है वो क्षण अगर वैज्ञानिकों को एक सेकेंड भी मिल जाता है तो तुरंत उसको वो कैच कर लेगा और उसी को कैच करके और आगे की जो जांच विधि है वो जारी। हाँ, उसी में नीरज जी है कि खास तौर से कि वो कहीं क्षतिग्रस्त ना हो और इसी का विश्लेषण कर रहे हैं खासतौर से वैज्ञानिक और सिब्बन ने भी कहा है कि हम उसी के डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं, अगर वो सही है तो निश्चित तौर पर 14 दिन के अंदर संपर्क साधा जा सकता और खुदा न खास्ता अगर ज्यादा नुकसान हो गया होगा और इस बीच में 10 दिन का जो वक्त है इस बीच में वैज्ञानिक को अगर पता ये भी लग जाता है सैटेलाइट जैसे कि ऑर्बिटर वहां से तस्वीर लगातार भेज रहा है और उस तस्वीर के आधार पर वैज्ञानिक ये भी जांच करने की कोशिश कर रहा है कि क्या विक्रम ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि ऐसा कहा जा रहा है कि बिल्कुल सीधा है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, हल्का सा उसमें थोड़ा सा टेढ़ापन दिखाई दे रहा है और जैसा कि एक बैंककार ने किसी ने कहा भी था कि चंदा मामा है और मामा के घर में जब बच्चा जाता है तो थोड़ा शैतान हो ही जाता है, चलिए ये व्यंग है लेकिन कोई नहीं, ये एक खुदा न खास्ता की बात है कि 1% अगर वैज्ञानिकों को ये पता चल जाता है कि इतना ज्यादा हार्ड लैंडिंग हुआ है कि उससे अब संपर्क स्थापित नहीं की जा सकती तो फिर हो सकता है 14 दिन पहले ही इस मिशन को वहीं पे समाप्त कर दिया जाए। हाँ, लेकिन खास बात है कि ऑर्बिटर पूरे 7 साल दूसरा जो इसका एंगल है। जी हाँ, इसके दूसरे एंगल की बात कर रहे हैं। क्या कि आपने वो पूरा विक्रम का समझा दिया, अब उसके पूरे के अंदर की और क्या संभावना है, अब केवल बेटू की बात होगी। जो ये हमने पैसे खर्च किए हैं, लोग सोच रहे होंगे कि जो हमने पैसे खर्च किए हैं अगर विक्रम टूट गया तो खत्म तो कुछ नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं क्यों है कि जो हमारा ऑर्बिटर है जिसके बारे में अब तक किसी ने आप लोगों को शायद नहीं बताया होगा, उसमें एक चीज और बता दें कि ऑर्बिटर
विक्रम और प्रज्ञान, ये तीनों अलग चीज था। तो जो ऑर्बिटर है वो बहुत महत्वपूर्ण काम करने वाला है। इस संबंध में अब तक कोई भी मीडिया या कोई भी चैनल आपको शायद डिटेल में नहीं बताया होगा, तो जरा आप इसे गौर से सुन लीजिए। ये जो ऑर्बिटर की बात कर रहे हैं, जो तस्वीर भेज रहा है विक्रम के लोकेशन का, ऑर्बिटर क्या चीज है? ऑर्बिटर चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह बन गया है जिसे हमने यहाँ से भेजा था। अब वो उपग्रह कोई छोटा मोटा नहीं है, वो 7.5 सालों तक चंद्रमा का चक्कर लगाता रहेगा। हाँ। और 7.5 सालों में चंद्रमा के एक एक कोने का, या आप यूं समझें कि जिस प्रकार दिल्ली के एक एक गलियों का हाल आपको गूगल के मैप पे मिल जाता है और जीपीआरएस सिस्टम पे आप किसी भी जगह का लोकेशन सेट करते हैं तो आपको सीधे पहुंच जाते हैं, उस गाड़ी आपकी उस लोकेशन पे उसके घर तक पहुंचा देता है। तो ये जो ऑर्बिटर है ये पूरे चंद्रमा का 7.5 साल में एक एक तस्वीर खींच के भेजेगा। और उसमें खास बात है कि हाई रेजोल्यूशन का तस्वीर खींच के भेजेगा, और उस तस्वीर के आधार पर हमारे जो इंडियन वैज्ञानिक हैं, इसरो के वैज्ञानिक हैं, चंद्रमा का पूरा खाका नक्शा तैयार कर लेगा। पूरा गली मोहल्ला जिसको कहते हैं, एक एक गली मोहल्ले का नक्शा तैयार कर लेगा। और जब कभी भी अगला हमारा मिशन होगा, चंद्रयान 3 कह सकते हैं, चंद्रयान 3 मिशन जब कभी भी होगा तो उसके जरिए जब दोबारा भेजा जाएगा तो हमारा कोई हार्ड लैंडिंग का संभावना नहीं बच जाएगा, और हमारे पास पूरा चांद का डेटा होगा। उस डेटा के आधार पर हम चंद्रमा पर किसी भी हालत में कभी भी अंधेरे में भी और दिन में भी या रात में भी 14 दिन ही नहीं बल्कि 28 कह सकते हैं, या 14x14 कह सकते हैं आप उसको, जैसे यहाँ हमारे यहाँ होता है 24 घंटे, वैसे आप 14x14 कभी भी जो दूसरा हमारा विक्रम जैसा कोई नाम दिया जाएगा तो चंद्रयान 3 में जो भी विक्रम जाएगा उसे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होने की संभावना नहीं रह जाएगा। उसमें ऑर्बिटर हमारा अभी काम करने के लिए तैयार है। जी हाँ, उसमें और खास बात है कि ऑर्बिटर जो वहाँ से चित्र भेजेगा और जो सब कुछ वैज्ञानिक पता लगा रहे हैं कि वह हाई रेजोल्यूशन का पिक्चर ही नहीं है बल्कि वहाँ जो मिनरल्स हैं, पानी है, कहाँ पानी है, क्या है, खनिज है, पूरा डिटेल आपके पास होगा, पूरा चांद का डिटेल हमारे पास होगा। और लगभग जो हमारा जो लोग भी इसको फेल्योर की बात कुछ लोग कर रहे थे, जैसे कि हमारे उदित राज जी हैं या पाकिस्तानी लोग हैं, कुछ बेतुका बात कर रहे थे कि ये करते तो वो होता, वो करते तो वो होता, उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि विक्रम चंद्रयान 2 का सारा चीज विक्रम ही नहीं है। चंद्रयान 2 जो हमारा यहाँ से भेजा गया था उसका सब कुछ विक्रम ही नहीं है। विक्रम के टूटने से सब कुछ खत्म नहीं हो गया, 5% नुकसान हुआ है विक्रम के जो हार्ड लैंडिंग होने से 5% ही नुकसान हुआ है। बाकी जो ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर हमारा बहुत बड़ा काम करके हमें रिजल्ट भेजने वाला है, और ऐसे ही रिजल्ट को आगे भी जानने के लिए चंद्रयान 2 से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं उससे रिलेटेड आगे भी जानते रहने के लिए आप मोबाइल News24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ना केवल सिर्फ चंद्रयान से रिलेटेड चीज़ों को हम आपको डिटेल में बताएंगे बल्कि और भी जितनी भी खबरें होगी उसको बारीकी से समझाने का काम करते हैं, और जो खास तौर पे पॉलिटिकल न्यूज़ होता है उसके पीछे की सच्चाई भी हम आपको बताते हैं कि कौन सी खबर जेन्युइन है, असली खबर है, और कौन सी खबर बनाई गई है, उसके बनाने के पीछे का कारण क्या है, ये भी हम लोग आपको बताने का काम करते हैं। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही मोबाइल News24 को देखते रहा कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मानवेंद्र सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।